बिल्डिंग प्लान चढ़ते हेलो कर दो श्री प्रदीप चक्रवाल जी इन्हां ने लुधियाना वासियां दी इस समस्या नूं मंत्री जी कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब सरकार मेयर साहब कंट्रोल सेंटर जिसका उद्घाटन करने के लिए अज उन्होंने जिहड़ा समां कढ़िया साढ़े दरम्यान अति सरकार इसके पहले मैंने यही बताया आपको दिल्ली एनसीआर में हमारा 5 सेंटर है, एबीसी सेंटर, ठीक है, वहाँ ओपीडी भी है हमारा। हम कानपुर में पिछले 1.5 साल से काम कर रहे हैं और हमने जम्मू में भी लास्ट मंथ स्टार्ट किया है, 2 महीने हो गए जम्मू में भी स्टार्ट किया। कैपेसिटी यहाँ पे टारगेट जो दिया गया है हमें 1800 का दिया गया है, ठीक है, और डिपेंड करता है इस सेंटर में ये 2000 से ज़्यादा भी सर्जरी यहाँ हो सकती है जेड़ा आज दा आपा इस एनिमल बर्थ सेंटर दा उद्घाटन करिया। मैं इहदे बारे दसना चाहूँगा, बड़ी सारे शहर की यह डिमांड रहती है आवारा कुत्तियां दी भी सवेरे शाम जिहड़े सैर करन वाले आ वह भी तंग रहिंदे आ, कोई साडे घरां दीआं औरतां कोई कितने बाज़ार जांदियां सब्जी लैण जांदियां उन्हां नूं कितने पैंदे आ, रातां नूं गड्डियां खराब करदे आ जिन्हां दी पार्किंग बाहर हुंदी है उन्हां दा नुकसान हुंदा, और खास तौर पर बच्चे साडे खेडण जांदे आ सवेरे स्कूलां च जांदे आ उन्हां नूं पैंदे आ, ते सारिआं दी डिमांड रहिंदी सी वी इह वधी जांदी है जिहड़ी बीमारी है दिनों दिन इत्थे किसे दा कंट्रोल नहीं है, ते उहदे वास्ते पहलां बहुत छोटे लैवल ते उपराला सीगा, शहर वड्डा हो गया ते इहनूं वधाउण दी लोड़ सी, और बहुत मैं समझदा भी जिस खूबसूरती नाल इहनूं पूरा करिया है कारपोरेशन ने, मैं उहनां नूं वधाई देना, बड़ा वधिया वर्ल्ड क्लास इहनां ने इह सेंटर बनाया है, ते जिहड़ी सोसाइटी नाल कारपोरेशन ने कोलैबोरेट करिया है उह भी प्रेज करदी है, भी असीं सारे हिंदुस्तान च कई जगह ते साडे सेंटर चलदे आ पर इस तरीके दा कैनल्स इत्थे इत्थे दा ऑपरेशन थिएटर इत्थे रिकवरी रूम इस तरीके कदी होए नहीं, और जो फैसिलिटी इत्थे कारपोरेशन वल्लों उन्हां नूं प्रोवाइड करवाई गई है वो बड़ी वर्ल्ड क्लास है। उन्हां ने भी यकीन दिलवाया कि इनिशियली वह रोज़ दे 60 पैड्स इत्थे लियाणगे, उन्हां नूं स्टरलाइज करनगे, उस तो बाद पोस्ट रिकवरी है उन्हां दी स्टरलाइजेशन होएगी, एंटी रेबीज इंजैक्शन लगनगे 3-4 दिन जिन्नी देर तक उन्हानूं पोस्ट ऑपरेटिव केयर की लोड़ है उहदे च उन्हां दी खाने वाने का इंतजाम फीडिंग भी उन्हां दी उन्हां नूं दित्ती जाएगी, तो उन्हां दी जिहड़ी सारी पर बैड जिहड़ा खर्चा है वह कारपोरेशन सारा आप चकेगी। तो अज मैं सारे लुधियाने वालेयां नूं इह सेंटर डेडिकेट करदा और उम्मीद करदा इहदा जिहड़ा फायदा है लुधियाने वालेयां नूं जल्दी मिलना शुरू हो जाए। सर एक आपसी विवाद होना चाह रहा है दिल्ली दे विच हुण मीटिंगां वी होईआं वा साडी कांग्रेस पार्टी तो निपट जाएगा जो हाईकमांड इंटरवीन कर ले जिहदी जो प्रॉब्लम है वह सुन लेगी तो वह नितारा हो जाएगा, वह कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैं सारे अपने जदों दा मैं मंत्री बने खास तौर पर इहदे ते मेरा रहिंदा आ भी जिहड़े साडे साइनेज ने जिहड़े बोर्ड ने उन्हां दे उत्ते कोई भी इदां दी पोलिटिकल ना इश्तेहारबाजी ना होवे। कल बच्चियां ने कुछ करिया, कारपोरेशन ने इमीडिएट रिमूव करके उन्हां नूं जिहड़ियां साइट्स ने एडवरटाइजमेंट दियां उत्थे करिया, पर हाँ कैप्टन साहब अज साडे स्टेट दे लीडर ने ते सारिआं ने 2022 दे विच इलैक्शन च जाणा आ, उहदे च उन्हां ने NSUI ने अपने लीडर का नाम लिखिया, तो उहदे च किसे नूं कोई इतराज़ होना नहीं चाहिए।
ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਆਈਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਹੱਥੀਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਬ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟੀਮ ਆਸ਼ੂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੈ ਟੀਮ ਕਾਂਗਰਸ। ਜੇ ਕੋਈ ਈਸਟ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟੀਮ ਤਲਵਾਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਟੀਮ ਡਾਵਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਰਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਸਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਪਟਨ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਬਣਦਾ ਸਾਹਿਬ? ਸਰ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹਲੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਦੀਆਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੀ ਸੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ 8 ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ। ਇਹ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਕੋਈ।